बस खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। हाँ, मैं क्यों रुका? इतना सारा खाना हम देख के पागल होने वाला है गाइस। को वॉक पे लाया है। सो गाइस, आज हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान है। आपसे एक थोड़ा सा बात शेयर करना चाहती थी, जस्ट 2 मिनट्स के लिए। ये है मेरा 2021 का, जब से मैं क्योर स्किन यूज कर रही हूँ। ये है मेरा 2024, ये लेटेस्ट वाला स्कैन है। तो मैं यही देख रही थी और देखा कि कितना डिफरेंस आ गया है। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, तब मैंने रियलाइज। पहले बीइंग अ टीनेजर मेरा स्किन इतना अच्छा नहीं था एंड बहुत लोगों से सुना भी था, बट अभी नॉर्मल स्किन है। सब लोग पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, कि अब क्या क्या कॉस्मेटिक क्या लगाते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी रैंडम सनस्क्रीन लगा दिया, मेरा पिगमेंटेशन अच्छा हो गया। एक पर्टिकुलर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी, जैसे कि मुझे मिला है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर ही काम करेगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली थ्रू क्योर स्किन ऐप। एंड जब मैंने क्योर स्किन के डॉक्टर से बात की, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे बात की, और आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब मैंने उनसे अपना प्रॉब्लम्स को शेयर किया तो उन्होंने मुझे एक कस्टमाइज्ड किट रेडी करके दिया, जो कि मेरे स्किन कंसर्न के हिसाब से बनाया गया है। प्लस आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे कुछ आपका डाउट्स क्लियर नहीं हुआ है, आपको और कुछ जानकारी चाहिए है, तो आप किसी भी समय क्योर स्किन के डर्मेट्स को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योर स्किन जो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान प्रोवाइड करता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सजेस्ट करते हैं कि एक प्रॉपर होलिस्टिक डाइट होना कितना जरूरी है आपकी अच्छी बॉडी, स्किन और हेयर के लिए। ऑब्वियसली ये सारे चीजें बहुत जरूरी है। दिन में आपको कितना पानी पीना चाहिए, इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी तरफ से एक कूपन कोड है आपके लिए, PU300 है मेरा कूपन कोड, जिससे आपको ₹300 ऑफ मिल जाएगा। लिमिटेड ऑफर है ओनली फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। एंड क्योर स्किन आज ही डाउनलोड कीजिए। मेरा पहले से एक सपना था कि मेरा भी अपना खुद का एक होम स्टे हो, एंड वेलकम टू माय ड्रीम होम स्टे इन माजुली। दिस इज मनाम्स होम स्टे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ये माजुली में ही है। माजुली में एक अंदर का तरफ रास्ता जाता है, लेकिन आपको अगर इधर आना है तो फोन नंबर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगी। आई वॉन्टेड टू फील द रियल टेस्ट ऑफ माजुली। यहाँ पे जाने के लिए आपको ये ब्रिज से जाना पड़ेगा और आई हैव अ फियर ऑफ हाइट्स। भैया राहुल पीछे मत आओ, दे आगे आएगा। राहुल क्यों आ रहा है पीछे? तुमको इतना क्यों डर लग रहा है? वाह, ये होम स्टे है ऑब्वियसली, घर जैसा ही है। सिंग पीपल जैसे घर में रहते हैं ऐसा ही होता है एग्जैक्ट, और वैसा ही बनाया गया है। उस दिन मैंने देखा था कुछ ग्रुप ऑफ लोग आए थे, फैमिलीज, तो लोग बंगाली थे। हाँ, तो लोग बोल रहा था कि माजुली में आए तो माजुली का फील लेना है ना, बोल के रेस्टोरेंट में हम लोग खाना ढूंढ रहा था। तो हमको लगा कि ऑब्वियस ये जगह में आने से कितना मजा लगेगा, मतलब माजुली का फील। और अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाने वाले हैं, माजुली का खाना, ऑथेंटिक वाला। और ना ये जो छत है, छत में पूरा खेर लगा के रखा है ना, तो यहाँ पे फैन तो लगेगा गर्मी के दिन, बट एसी इतना गर्मी नहीं होता है रूम, क्योंकि गर्मी ये गर्म नहीं होता है, इतना खुला है, इतना हवा आता है ना यहाँ पे। ये जो है ना नदी इधर ही है, आगे फ्लोर है, बेम्बू का फ्लोर, तो उसमें भी सो सकते हैं क्योंकि ये वो ठंडा होता है सोने के लिए। बोला बोला अरे चलिए गाइस, अब देखते हैं कि अगर आप कभी मनाम्स होमस्टे विजिट करो तो मिसिंग ट्राइबल फूड में आपको कौन कौन सा आइटम्स मिल सकता है यहाँ पे। थैंक यू।
মই ইমান ভাল পলে না বিয়াটো বিয়াটো গুতেটো চাইছো বাৰু Can you believe it guys ye pork chop bamboo ke inside cook ho raha hai it's been cooking for about 2 hours yahan pe ready ho gaya hai fish inside banana leaf aur isko bolte hain patodia mas e baarte pata dekhi chu baro aur dekhi chu movie mummy ikhon puran puran oh puran khai paisa ya me ali ali gang mein khaya tha सो गाइज यहाँ पे पूरा ऑथेंटिक मिसिंग खाना बना है आज और सिंपल खाना बना है बोल रहे और 15 डिशेस है कैन यू इमेजिन 15 आइटम्स गाइज आप लोग यहाँ पे आने से आप लोगों को खाने मिलेगा होम मेड और गैस का यूज उन लोग नहीं करते हैं उन लोग देखिए वहाँ पे मैंने दिखाया है जितना भी कुकिंग है सब आग में उन लोग किया है तो ऑब्वियसली टेस्ट भी और ज्यादा हो जाएगा फॉल ये है ओटेंगा गहोरी एलिफेंट एप्पल के साथ पोर्क सो मोस्ट ऑफ अस नो कि एलिफेंट एप्पल का टेस्ट कैसा होता है टेंगी स्वीट टाइप का टेस्ट होता है जो कि पोर्क को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है और इसको जब भी हम लोग बनाते हैं हम लोग ज़्यादा स्पाइस वगैरह यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका फ्लेवर ही इतना टेस्टी होता है जो कि ये डिश को कम्प्लीट बनाता है ये है तिल चिकन एज द नेम सजेस्ट बनाया जाता है तिल यानी कि सेसमी सीड के पेस्ट से एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस क्योंकि मुझे क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला डिश बहुत पसंद है भाजी ये कॉल्डल चिकन बनाना फ्लावर चिकन ये बैम्बू शूट और पॉप पॉर्क विद बैम्बू शूट एक ऐसा डिश है जो कि हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है ये पेरे जोसक। जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस मुझे क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला डिशेस बहुत पसंद है एंड पेरेडोइंग इज वन ऑफ देम एंड मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि आंटी ने पोर्क के इतने बड़े बड़े पीसेस यहाँ पे ऐड किए क्योंकि यूजुअली पेरेड ओइंग में अगर स्मॉल पीसेस ऐड करो तो वो कहीं घुल जाता है बिकॉज जो दाल है उसी में इतना ज़्यादा फ्लेवर हो जाता है ये है बॉयल फिश हम लोग टिफिन नहीं लाए फिश बॉयल विद बैम्बू शूट और टमाटोज है चिलीज है और आप देख सकते हैं जो इसका सूप है वो पूरा क्लियर है बहुत ही टेस्टी है पूरा फ्लेवर फिश नहीं दिया है पूरा पानी आ रहा है ये है नामसिंग मेड विद फर्मेंटेड फिश एंड कोसू पत्ता ये जाबोर ओइंग विद पोर्क ब्लड और लिवर इस जाबर ओइंग में जो भी पत्ता एडेड होता है उसका टेक्सचर बहुत ही रफ होता है क्योंकि पोर्क यूजुअली बहुत फैटी होता है तो एक दूसरे को ये कम्प्लीमेंट करते हैं अगेन ये एक डिश है जो कि राइस पाउडर और चिकन के साथ बनाया जाता है एंड क्योंकि ये फायर कुक्ड है तो राइस और चिकन बोथ एक स्मोकी फ्लेवर देता है फिश कुक्ड इनसाइड बनाना लीफ इज रेडी तो आंटी जी अभी हमको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे ये है मेरा गिफ्ट एक्चुअली मधु लेंग कौन बिलाही रोह फिश अदा नहुं टेस्ट कर लो फिर लिवर वाला सो गाइस ये हम लोग को ऑथेंटिक स्टाइल में सर्व किया गया है ये है पोरो अपोम चीयर्स सो इतना बड़ा बड़ा ये बेम्बू का ग्लासेस है देखिए और यहाँ पे पूरा ओके इसलिए ग्रीन फ्रेश ऑर्गेनिक ग्लासेस है उसके अंदर ये ड्रिंक है लोकल वाइन है इसको हम लोग बोलते हैं पोरो अपोम और ये बहुत ही स्वीट होता है देखो इसको ओए राहुल इतना सॉफ्ट देखो
इसको बांध दो ना हमें खाएगा वो बहुत टेस्टी बहुत जल्दी हेक न करे न हो बांध के पठा दे मुझे कोइसो आरो पूरा फ्लेवर्स ये कोइसो ले सी ने तो मुला आ अरे वाह ये तो कुछ एक खोरी से हां ना खा लो तो ने मु ये तो जल पाए ये पठा ए तो कर दो गेस्ट को अचार भी बेचते हैं हां गेस्ट को अचार भी ये तो सेम अभी रजिस्ट्रेशन और लोगो मतलब प्रोसेस में है तो हम पैन इंडिया मतलब शिप करेंगे पेट भरी ऐसी नहीं क्या पेट खाली ऐसे बेम्बू के अंदर पकाने वाला पोर्क ना है और हेल्दी टेस्टी खाना खाना है ट्रैवल वाला मिसिंग का तो यह आ सकता है मैं तो प्रभु में पानी आ रहा रुको सब तो गया ये देख ना टेस्टी है इसको बनाने के लिए इतना टाइम लगा हमको नहीं लगता कि इस डिश का कुछ प्राइस डिसाइड कर सकता है क्योंकि ये तो पूरा प्राइसलेस है सच में इतना ज्यादा है कि ये भारी है पता नहीं हेलो मेरा नाम सिंथिया है और ये हमारा होम स्टे है मैं नाम होम स्टे जेंगराई मुख माजुली में है और ये आज ये मेरा पापा है मम्मी है हाय गाइस <Hi. laughs> ये मेरी कजन की वाइफ है ये मेरी नीस है तो हम लोग ने आज होस्ट किया है लंच आप लोगों के लिए टोटल 10-15 आइटम्स बनाया है ऑल फायर को गैस यूज नहीं किया है टेस्ट करके अब बताना कैसा लगा गाइस यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि खाना कहाँ खाए यहाँ पे कि बाहर पे ना के लिए भी देखो आज पूरा स्पेशल खाना है ना आज ऑथेंटिक खाना खा रहा है एकदम ओए 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 खा दिया नन्ना दामी चावल हे भगवान देखो ना तुम ऐसे खिला के बैठी गई हमें अभी टेस्टी टेस्टी ओ उना को बहुत अच्छा लगा दे ठीक है क्यों है अब लगता है मुझे कि हाँ सब लोग यहाँ पे आकर रिलैक्स्ड हो जाते हैं पहले हम सोचता था कि इतना फॉरेनर्स यहाँ क्या करने आता है बोल के लेकिन ये है रियल माजुली प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे खाना इतना बढ़िया मिलता है इतना बढ़िया बहुत ही बड़ा एरिया है गाइस यहाँ पे आप जितना भागना है भाग सकते हो यूजुअली अंदर ही खाते हैं बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि इतना अच्छा व्यू है इतना बढ़िया हवा है तो यहाँ पे बाहर उन लोगों ने खाना का स्प्रेड लगाया है माय गॉड गाइस व्हाट इज गोइंग ऑन माजुली में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा देखो तो इतना सारा खाना हम देख के पागल होने वाला है गाइस बेलेग मन आनले न आमी जेतु बनाओ हेतु हेते नवारे न हेतु कारण आमी निजे बनाओ सब को नहीं सकते ना ये जगह सुबह हो जाएगा खाते खाते गाइस आई एम सो हंग्री हम लोग को सिंथिया ने बोला था कि कल रात से खाना मत खाओ तो हम लोग खाना नहीं खा कर आए और इतना हम लोग को दिया इसका मतलब थैंक यू भगवान थैंक यू आदि जी थैंक यू सो मच
ओके चलो खाते शुरू करो। 1, 2, 3 अपना मर्जी से खाओ। पूरा हाथी तो थोड़ा साइड में रख लेते हैं। ये किसका फेवरेट है? ये मम्मी, ये पापा का और ये मेरा। तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? मुझे पिसा। मतलब हम लोग खाया था इसमें बहुत ज्यादा गीला खिचड़ी जैसा हो गया था। ये है ऑल फायर कुक्ड है। ओके दैट इज सब फायर में बनाया। ये पत्ता भी हमारे गार्डन का ही है। 3 कड़े पड़े हैं। बॉम्बे टाकुक ताजा खाला खाला खाले। हां तुम कुछ रिव्यू बोलो ना। तुम बस खाते जा रहे हैं। हाँ मैं क्यों रुका हूँ यहाँ पे? तुमको खाते हुए देख के और भूख लग रहा है। खाना हम लोग सब खा दिया, इतना ज्यादा है। ये भी प्यार कर रहे हैं तुम तो। डर आती है हम लोग को। माजुली जाएगा बोल रहा है। ये भी गोरमोर जा भी ना भी अल वो। ये पीलो भी दे दिया यहाँ पे सोने के लिए। बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आंटी को बाय बाय बोल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत थैंक यू है आपको। बहुत दिन से हम लोग देख रहा था लेकिन आज आप लोग हमारे घर में आया है। हम लोग कुछ भी नहीं दिया है, बहुत आइटम तो रह गया है। फिर भी थोड़ा वक्त जो है हम देने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा ऑल ओवर गेस्ट आता है। हम सोचता है कि कोई भी गेस्ट माजुली में आए और हमारा जो इथेनिक है, हमारा गांव का जो स्वाद है, ये टेस्ट करने के लिए अगर आप लोग कोशिश आप लोग को मन है तो हमारा घर में आ जाइए। हमारा मनम होम स्टे है, माजुली जंगलमुख में है। और हम दिल से कोशिश करेगा जो भी है हमारा अपने घर के हाथ से अपना हाथ से बना के आप लोग के देने के लिए कोशिश करेगा। और जो भी है व्यूअर्स, अगर आप लोग आने के लिए कोशिश करें, कांटेक्ट करिए। हम लोग का नंबर आप लोग का ये स्क्रीनशॉट में देगा। थैंक यू। आइए माजुली, कोशिश कीजिए, हमारा जो भी है टेस्ट करिए। বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ খানাটো খাই কেনেকা লাগিব সেইটো তুমি কমেন্ট দিবা। আমি ইমান গেছ ইউজ নকৰো ন, আমি সব জুইতে বনাওঁ। আজি কেনেকা কি হৈছে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি বনোৱা নিচিনা হৈছে। আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, তারপরে হায়দ্রাবাদ। अभी हम लोग निकलते हैं। थैंक यू राहुल भैया और तुम्हारे कारण। है और गिफ्ट बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, राहुल भैया और तुम्हारे कारण। क्या ये आंटी? अरे तो वाह, सो मच गिफ्ट। अय्या थैंक यू सो मच यार। तो सिंधिया का इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका नाम है स्टोरीज फ्रॉम माजुली। एंड इतना सुंदर अकाउंट है ना, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक करिएगा। और वहाँ पे माजुली और मतलब जितना विलेज का फील, नदी वाला और भी बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। खुद से चेकआउट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और होमस्टे का पेज का भी लिंक मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा होमस्टे मीनाम होमस्टे का भी इंस्टा पेज है तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो वो भी दे दूंगी, तो आप जरूर विजिट करिएगा। तो ये ऊना को डर रहा था, अभी पूरा ऊना का साथ। ऊना को डर लग रहा है। ऊना डर रहा है। उम्मा दे दो, उम्मा उम्मा। मोगली ডগীটোৰ লগত আমি কাইলৈ যাম, কাইলৈ লগ পামগে নহয়।
খাবা। আকৌ আহিব নহয় কালি। আকৌ আহিব। টাটা। বাই বাই।